इसी गली में गारन का ये भाई सामने खड़े हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। मैं अगली गली तोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज नाज़रीन ईथन ग्रीस में मौजूद हूं और आज पाकिस्तान से आए हुए एक भाई जो ग्रीस वर्क परमिट पर यहां यूनान में आए हैं, उनका पहले एक इंटरव्यू कर चुका हूँ और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रह गए हैं आज दोबारा उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, उनका ये सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आपने वीडियो के साथ ही रहना है जी। तो नाज़रीन, ये मैं अपना मेन गेट जो है उससे बाहर निकल रहा हूँ जी। तो ये है मेरे घर के बाहर का माहौल, देख सकते हैं आप। ये जो गली के सामने आपको नज़र आ रहा है वो मेन रोड है, बड़ा रोड है। इस तरफ भी साथ छोटा सा एक चौक है, बहुत ही खूबसूरत दायरे में ये बना हुआ है और साथ इसके चारों तरफ जो है वो ये लगे हुए हैं किन्नू के दरख्त जी। इस तरफ ये सामने जैतून के दरख्त हैं, वो सामने जैतून पर फल जो है लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये नाज़रीन एक छोटा सा पार्क भी है, इसको पलातिया बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत खूबसूरत, ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए यहाँ पर, ये बेंच बना हुआ है, एक बेंच उस तरफ बना हुआ है। तो यहाँ सुबह सुबह लोग जो है काफ़ी जो है वो चहलकदमी कर रहे होते हैं। ये बार है एक, काफ़ी बार उन्होंने यहाँ पर बाहर चेयर्स और टेबल्स रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बैठने के लिए। ये सामने बार है, ये मेरे मोहल्ले का ये सारा एरिया है। ये नाज़रीन सामने शॉपिंग मॉल है, ये इसका पार्किंग के लिए गाड़ियों के बेसमेंट है। यहाँ भी पार्किंग है ऊपर, और वो सामने जो प्लाजा नज़र आ रहा है ये शॉपिंग मॉल का है। मेरा नाज़रीन, मैं उस एरिया में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मुझे पाकिस्तानी भाई का इंटरव्यू करना है। कि जंग ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये कलीसिया, इनका चर्च है जो क्रिश्चियन लोग इनका सामने। ये नज़र आ रहा है आपको कलीसिया, साथ ये पार्क भी बना हुआ है। पार्क के अंदर ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। देख सकते हैं आप, और आगे जो सामने नज़र आ रहा है इस पलातिए के अंदर भी वो बना हुआ है कैफेटेरिया, आप देख सकते हैं आप। ये है कलीसिया, और ये इस तरफ जो है ये पाकिस्तानी होटल है, ये जो नज़र आ रहा है आपको। लेकिन मैं पार्क का थोड़ा सा सीन आपको दिखा देता हूँ। ये चेयर्स पड़ी हुई हैं सामने जो बना हुआ है कैफेटेरिया उसकी। आगे चलते हैं, इस तरफ भी आगे एक पार्क आएगा छोटा सा, उसके बाद फिर मेरा जो दोस्त है उनका घर आएगा। ये थी बिल्डिंग से आगे देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये पत्थर लगाकर आबशार बनाई हुई है। जी तो नाज़रीन, इस पार्क में मैं पहुंच चुका हूँ, इसके आगे थोड़ा सा फासला तकरीबन 5 मिनट का, जहाँ पर उस भाई का घर है। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है इस पार्क में भी, यहाँ पर फाउंटेन भी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी दिन में ये चल रहा है, रात को नाइट में बहुत ज़बरदस्त इसका नज़ारा होता है, लाइटिंग भी लगी हुई है।
नीचे नज़र आ रही हैं आपको। ये बेंचेस पड़े हुए हैं और ये चेयर्स है सामने काफेटेरिया। नाजरीन जहाँ पर ये पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर जो है ना काफेटेरिया भी साथ साथ होते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी सर्कल में है ये जो पार्क है, चारों तरफ इसके रोड हैं और ये सर्कल में बहुत ज़बरदस्त है। ये भी बेंचेस पड़े हुए हैं। आपने वीडियो के साथ ही रहना, अभी मैं जैसे अपने दोस्त के घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसका इंटरव्यू करूंगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर उसका इंटरव्यू जो है वो पार्ट 1, 2, 3, 4 जितना भी बड़ा इंटरव्यू हो सका वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये जी मैं जा रहा हूँ गली, ये जो है इसी गली में घर उनका, ये भाई सामने खड़े हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं अगली गली तोड़ गया सा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बड़ी भैड़ी हालत बना ली जी। ये हैं भाई जी नाजरीन, अभी मैं इनका करूंगा इंटरव्यू, आपके साथ शेयर करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी या उससे नेक्स्ट उसमें शेयर करूंगा पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट हुए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।